आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। आलू का चीला बनाने के लिए लेने हैं आलू। ये मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है और पानी में डुबा के रख दिया है, जिससे कि ये काले नहीं पड़ेंगे। सिंघाड़े का आटा 3 बड़े चम्मच, कूटू का आटा 2 बड़े चम्मच। सिंघाड़े का आटा और कूटू का आटा आप व्रत में खा सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ, 2 छोटे चम्मच घी, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अगर आप हरी मिर्च ना डालना चाहें तो काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच ऐड कर सकते हैं। नमक 1 छोटी चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ये सेंधा नमक लिया है मैंने, जिसे व्रत में भी खा सकते हैं। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे कद्दूकस किए हुए आलू। आप चाहें तो डायरेक्ट बाउल में ही कद्दूकस कर सकते हैं आलू को, और ये मैंने कच्चे आलू लिए हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं होती है कि आलू उबालने पड़ेंगे, कच्चे आलू से ही आप झटपट इसे बना सकते हैं चीले को। सिंघाड़े का आटा डालेंगे, 2 बड़े चम्मच डालूंगी पहले मैं। कूटू का आटा 1 बड़ा चम्मच डाला है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी आटा डाल सकते हैं। नमक 1 छोटी चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। काली मिर्च पाउडर, टमाटर भी डाल देंगे, हरी मिर्च। अगर आप टमाटर और हरी मिर्च नहीं खाते हैं व्रत में तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे सभी को अच्छे से, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये जो हमारा मिक्सर बना है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको कभी मिक्सर पतला लगे चीला बनाने के लिए तो आप इसमें और आटा ऐड कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा आटा ऐड नहीं करना है आपको, अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो आलू का टेस्ट बहुत कम आएगा। आलू का टेस्ट आना चाहिए, इसीलिए मैंने कूटू का आटा और सिंघाड़े का आटा थोड़ा कम ही डाला है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ मिनट के बाद अब गैस पर एक तवा रखेंगे, और तवे के हल्का सा गर्म होने के बाद इसके ऊपर घी फैलाएंगे। तवे पर घी स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर चीले का मिक्सर फैलाएंगे। पहले मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, फिर इस तरह से स्पून में भरकर तवे के बीच में रखेंगे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चीले का साइज रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। ध्यान रखें ज़्यादा मोटा भी ना बनाएं चीले को, और ज़्यादा पतला भी नहीं। अब चीले को सिकने देंगे एक साइड से, और गैस की फ्लेम को मीडियम और मीडियम टू लो रखेंगे। हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं सेकना है चीले को। चीले के एक साइड से सिकने के बाद इसके ऊपर घी लगा देंगे थोड़ा सा, और पलट देंगे इसको। पलटने के बाद अब इसे दूसरी साइड से भी सिकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पर, और इसी तरह से पलट पलट कर इसको तब तक सेकना है जब तक कि इसका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जिससे कि आपका चीला बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और टेस्टी लगेगा। चीले को मैंने दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक सेक लिया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के चीले बनाएंगे। पहले थोड़ा सा घी लगा लेंगे तवे के ऊपर, और चीले का मिक्सर फैलाएंगे। इसे भी अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से सेक लेंगे, और चीला सेकते टाइम आप ध्यान रखें कि चीला को आप हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना सेकें, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर सेकते हैं तो चीला आपका ऊपर से सिक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ये चीला आप सर्व कर सकते हैं दही के साथ या फिर हरी चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस नवरात्रि में आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये आलू के चीले की रेसिपी को। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।